प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे। बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत, 40 लापता। तो राजस्थान के अजमेर में 6 लोगों ने गंवाई जान। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, तो कल यात्रा का हिस्सा बनेंगी प्रियंका। 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही है यात्रा। बाबा महाकाल की नगरी में सीएम शिवराज शाही सवारी में हुए शामिल, महाकाल लोक का भी किया निरीक्षण। रायपुर में हर्षोल्लास के साथ रावण का किया गया दहन, सीएम बघेल और टीवी सीरियल के राम सीता, अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर तीन नए पुरस्कार, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव के नाम पर मिलेगा अवार्ड। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। कल पूरे देश भर में दशहरे की धूम थी, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व था। शहर शहर रावण दहन हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बड़े ही धूमधाम से रावण दहन किया गया। के साथ दशहरे का यह पर्व मनाया गया, बुराई पर अच्छाई का यह पर्व मनाया गया पूरे देश भर में। तो वहीं 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, रावण दहन किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई थी। 12 ऐसे जिले थे जिन्हें ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट पर भी उन्हें रखा गया था, लेकिन फिर भी रात होते ही रावण दहन किया गया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। तो देश भर में दशहरे की धूम कल देखने को मिल रही थी, शहर शहर रावण दहन किया गया। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की, इंदौर की, दुर्ग की, बैतूल और अलीराजपुर की तस्वीरें, कवर्धा। ये 6 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने, आप जहां देख सकते हैं कि कल किस तरह से इन अलग अलग जिलों में रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। पूरे देश भर में दशहरे की धूम थी कल। भोपाल में बड़े ही धूमधाम के साथ रावण दहन किया गया। टीटी नगर दशहरा मैदान में रावण दहन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी यहां मौजूद थे। बता दें कि चिकित्सा शिक्षक मंत्री और महापौर मालती राय और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। तो रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए थे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। देख रहे हैं टीटी नगर स्टेडियम की, जहां पर रावण दहन किया गया है, कुंभकर्ण का दहन किया गया है, इसके अलावा मेघनाथ का दहन किया गया है। इस बार थोड़ी सी मशक्कत करने पड़ रही है दहन के लिए। उसकी वजह यह है कि दोपहर में बारिश देखने को मिली थी और उसके कारण रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात की जाए तो ये पुतले जो हैं वो गीले हो गए थे, इसके कारण अभी थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ रही। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये मैसेज, ये तस्वीरें ये बताती है कि बुराई पर आज अच्छाई की जीत हुई है। बुराई भले से ही कितनी ही मजबूत रहे, असत्य कितनी भी ताकतवर रहे, उस पर हमेशा सत्य की जीत होती है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं इस तस्वीरों को देखने के लिए, दशहरे के इस पावन पर्व के रावण दहन को देखने के लिए। 2 साल बाद फिर से राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है, धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें बताती है कि आज एक बार फिर असत्य पर सत्य की जीत हुई है।
तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान विजयदशमी के मौके पर बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम बाबा महाकाल की शाही सवारी में भी शामिल हुए। और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपिका नेगी ने, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया है, अब इंतजार 11 अक्टूबर का। अवंतिका पुरी उत्साहित है, मध्य प्रदेश उत्साहित है। अद्भुत अद्भुत श्री महाकाल लोक की रचना अवंतिका नगरी में हुई है और प्रधानमंत्री जी स्वयं महाकाल महाराज को चरणों में महाकाल लोक अर्पित करने पधार रहे हैं। मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ इस अद्भुत पल के सब साक्षी बने। मध्य प्रदेश का आपने बहुत सारी सौगातें दी हैं, लेकिन महाकाल कॉरिडोर इतना पहले, ये तो अद्भुत है। हमारी महाकाल बाबा की नगरी तीनों लोक से न्यारी है। महाकाल लोक में आकर संपूर्ण शिव लीलाओं के लोगों को दर्शन होंगे और उनकी कृपा और आशीर्वाद भी लोग प्राप्त करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर थे और इस दौरान सीएम ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं और इस दौरान सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। दशहरे के खास मौके पर उज्जैन दौरे पर थे वो और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किए। साथ में धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी प्रणाम। रावण तो आज हम जलाएंगे ही, ये सही अर्थों में विजयादशमी का अर्थ है कि हमारे अंदर अगर कोई बुराई हो तो उस बुराई को भी हम जला दें और समाप्त करने का संकल्प लें, ताकि हमसे कोई अधर्म का, दूसरों का अहित करने का और कोई काम ऐसा ना हो जो धर्म सम्मत ना हो, जो समाज के हित में ना हो, देश के हित में ना हो। इसलिए हम आज विचार करें कि अपने अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो बुराई है, जो पाप है, उसको हम समाप्त करें। आज महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम किया, उन्हीं की कृपा से एक अद्भुत रचना श्री महाकाल लोक यहाँ पे हुई है। और आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भगवान महाकाल को उन्हीं का लोक अर्पित करने पधार रहे हैं। आज प्रार्थना की महाकाल महाराज के चरणों में, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, प्रदेश से देश से सारे मतभेद मिट जाएं, सब एक दिशा में देश की प्रगति और विकास के रास्ते पर जाएं और हमारा देश विश्वगुरु बने, ताकि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा पाए। आज कार्यक्रम के संबंध में भी जो जरूरी चीज़ें वो भी मैं देखूंगा, लेकिन आज महाकाल महाराज की पालकी जी, उनकी सवारी विजयादशमी के पावन पर्व पर निकलेगी, तो दशहरा मैदान में भी जाएंगे और पूजा भी करेंगे। उनके चरणों में प्रणाम, वो सब पर कृपा और आशीर्वाद।
तो चलिए अब बात भोपाल की कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि दुकानदार ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भीख मांगने गया था ये बच्चा, जिसके बाद से इस शख्स ने इसकी पिटाई कर दी। भीख मांगने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। मारपीट में आपको बता दें कि एक बच्चा, उसका सिर फट गया है। पुलिस ने बच्चों और पिता को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया हुआ है, और मामले को लेकर के अभी तक आपको ये भी बता दें कि FIR दर्ज नहीं की गई है। तो भीख मांगने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद से इस शख्स ने इस बच्चे को बुरे तरह से बेरहमी से पीटा, जिसके बाद से बच्चे का सर जो है वो फट गया। फिलहाल पिता और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है इस पूरे मामले को लेकर के। वहीं नर्मदापुरम जिला अस्पताल के सामने नशे में धुत युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई करने वाला प्रेमनगर बस्ती का निवासी बताया जा रहा है। वहीं भीड़ में शामिल महिलाओं ने चप्पल से युवक को पीटा है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घायल नशेड़ी युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल थाने में अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं बात अब पन्ना की करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ देखने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि बाघ को सड़क पार करते हुए देखा गया है, जिसके बाद सड़क पार करते हुए वहां पर राहगीर जो थे वो रुक गए, और उन्होंने सड़क पार करते हुए बाघ की तस्वीर अपने फोन में खींच ली। राहगीरों ने मोबाइल में इस पूरे नजारे को कैद किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और यही कारण है कि अब पर्यटकों के साथ साथ राहगीरों को भी बाघ का दीदार हो रहा है। कुछ ऐसे ही नजारे आपको बता दें कि छतरपुर रोड पर देखने को मिला, जहां सड़क पार करते हुए बाघ को देख राहगीरों ने रुककर इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो बाघ को सड़क पार करते हुए यहां पर देखा गया, जिसके बाद राहगीर जो थे वो वहां पर रुक गए, और उन्होंने अपने फोन में फोटो खींच ली, इस पूरे नजारे को कैद कर लिया, सेल्फी लिया। हालांकि इस तरह का स्टंट करना ये बेहद ही खतरनाक भी कभी कभी साबित हो सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। मिशन 2023 में अब MP BJP जुट चुकी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल से मांडू में BJP का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है, और प्रशिक्षण के बहाने 3 दिन जारी रहेगा बैठकों का दौर। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रशिक्षण के बहाने 3 दिन अब बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा, जिसमें पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा। रणनीति के मुताबिक हाईकमान यहां पर पदाधिकारियों को यहां पर ट्रेनिंग देगा, और फिर PM मोदी अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आगामी चुनाव की रणनीति के तहत ये तैयार किया जाएगा, तैयार होंगे पदाधिकारी। बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं। तो मिशन 2023 को लेकर के अब MP BJP जुट चुकी है। आपको बता दें कि मांडू में आज से बैठकों का दौर भी अब शुरू होगा, और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं PM मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर के भी यहां पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अमृतांशी का। अमृतांशी, मिशन 2023 को लेकर के अब MP BJP पूरी तरह से जुट चुकी है, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल से मध्य प्रदेश की जो सरकार है, BJP का जो है प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है मांडू में। और सबसे खास बात यह है कि जो शिविर है ये 3 दिवसीय शिविर होने वाला है। इसमें तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे, साथ ही मंत्री और जितने भी आला नेता BJP के हैं सभी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। देखिए, प्रशिक्षण शिविर खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि दो जो बड़े आला नेता हैं BJP के, उनका दौरा होने वाला है। चाहे हम PM मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दोनों का ही जो दौरा है वो मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में होने वाला है। तो क्या कुछ रणनीति चुनाव को लेकर रहेगी, इसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाने वाला है, और प्रशिक्षण के बहाने कई बड़ी बैठकें भी इस दौरान होने वाली हैं। देखिए, तमाम मंत्री शामिल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है चुनावी रणनीति बनकर तैयार होगी। यहाँ पर वोट शेयर बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा, और इसी को लेकर BJP के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जानी है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर अब BJP के पदाधिकारियों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को जोड़कर कैसे चलने की ज़रूरत है, और कार्यकर्ताओं को किस
किस रणनीति के साथ जो है अब आगे बढ़ाना है और क्या कुछ रणनीति चुनावी साल के लिए रहेगी, इसको लेकर जो है बीजेपी दिवाली के पहले एक बड़ा प्लान तैयार करेगी और दिवाली के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए जो भी योजनाएँ बनकर यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में तैयार होंगी उनको आगामी समय में जो है अभी अमित शाह का दौरा है उस दौरान उनके सामने रखा जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही बड़े नेताओं का दौरा है तो जाहिर सी बात है उनके जो कार्यक्रम को लेकर तो है चर्चा होगी ही, लेकिन अमित शाह के सामने क्या कुछ रणनीति रखनी है, क्योंकि देखिए अब मध्य प्रदेश जो है वो चुनावी साल में एंटर कर रहा है, दिवाली के बाद जो है पूरी तरीके से चुनावी तैयारी। आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है भोपाल से, आपको बता दें कि एमपी में शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। मिडिल स्कूल के लिए आज से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2018 के चयनित शिक्षकों की रिक्त पदों पर आज से भर्ती होगी और आज से 16 अक्टूबर तक ये भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पहले से ही ये प्रक्रिया जारी है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो मिडिल स्कूल के लिए आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ज्यादा जानकारी के साथ समाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमृतांशी, आज से 16 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए लगातार नई भर्तियां निकलती जा रही हैं, अगर हम स्कूली शिक्षा विभाग की बात करें और यहाँ पर इसी कड़ी में जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक जो है उनकी भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। देखिए आगामी 16 अक्टूबर तक ही भर्तियां चलने वाली है, इसके पहले हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की जो भर्तियाँ हैं वो भी लगातार 30 सितम्बर से जारी हैं। देखिए इस बार खास बात यह है कि सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन जो है उसकी साइट जो है एमपी ऑनलाइन पर दी हुई है और इसको लेकर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो भी परीक्षा के तहत वो पास हुए हैं। देखिए काफ़ी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से जो शिक्षक हैं चयनित शिक्षक वो अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर जो इनकी भर्तियां निकलेंगी। अब देखिए 2018 में परीक्षा हुई थी, चयनित शिक्षक इंतजार में बैठे हुए हैं और इसी कड़ी में ये जो मिडिल स्कूल की प्रक्रिया है वो आज से शुरू होगी। देखिए जो शिक्षक हैं वो जो है बड़ी संख्या में इसमें आवेदन करने वाले हैं क्योंकि लंबे समय से अलग अलग जगहों पर जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नई स्थानांतरण नीति के तहत जो है इस बार कई चीज़ें बदली रहेंगी, शिक्षकों को जो है गाँवों में प्लेस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी खबर यही है कि शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार दोबारा शुरू कर दी है और इसी कड़ी में जो है आज से मिडिल स्कूल की जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियां यहां पर की जानी है। ठीक है, सबसे खास बात ये इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से जो शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पद हैं जो खाली हैं वहाँ पर उनकी भर्तियाँ हों, तो सरकार फिलहाल इसकी ओर जो है एक कवायद शुरू कर रही है और जल्द ही मध्य प्रदेश में जो है 16 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, नवंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो शिक्षकों की भर्ती है वो अलग अलग स्कूलों में की जाएगी और उनको एक स्कूल दे दिया जाएगा। तो जो आगामी दिन है मतलब मध्य प्रदेश को नए शिक्षक मिलने की तैयारी है, आगामी साल में जो है नए सेशन के साथ जो है नए शिक्षक मध्य प्रदेश के सरकारी। ठीक है अमृतांशी, ठीक है बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और एमपी बोर्ड छात्रों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत दी गई है, 12 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे छात्र, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12 अक्टूबर तक नहीं लगेगी लेट फीस, लेकिन अगर आप 12 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए ₹100 लेट फीस आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। बड़ी जानकारी बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने। तो मध्य प्रदेश में अब नहीं थम रहा है बारिश का दौर, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एमपी के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दमोह, छतरपुर, देवास भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं करीब 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, गुना, अशोकनगर, पन्ना, सतना, रीवा में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और जिन जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है वो इंदौर, जबलपुर, धार, झाबुआ, मांडला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ समाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है और आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
जी देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर नहीं थम रहा है और आगामी 8 अक्टूबर तक जो है ये बारिश का दौर नहीं थमने वाला है। राजधानी भोपाल में भी कल तेज बारिश का दौर जो है वो देर रात तक जारी रहेगा। फिलहाल अगर आप मौसम देखेंगे भी तो यहाँ पर जो है मौसम आपको बदला हुआ सा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो है काले बादल अभी भी छाए हुए हैं और आज भी राजधानी भोपाल में बारिश को लेकर जो है वो येलो अलर्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जो है बारिश को लेकर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दमोह, छतरपुर, देवास और राजगढ़ है। साथ ही अगर हम बात करें तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर, धार, उज्जैन ऐसी कई जगह है जहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी करीब 1 दर्जन जिलों में मध्य प्रदेश की जारी है। देखिए यहाँ पर जो है लगातार बारिश का जो दौर है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश दोबारा लौट लौट कर आ रही है। कल देर रात जिस तरीके से जो है तेज बारिश का दौर जारी रहा, उस दौरान जो है पेड़ गिरने से 4 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। तो जब पिछले महीने जो हालात देखने को मिले थे बारिश के कारण, अगर लगातार 3 दिन तक इसी तरह बारिश जारी रही, क्योंकि देखिए रेड से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक है, अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो कहीं ना कहीं ये परेशानी खड़ा कर देगा। और जो बाढ़ पीड़ित अभी उभरे भी नहीं है, जिनको जो है राशि फिलहाल जारी की ही जा रही है, वो दोबारा जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।